जय मसीह दी सारे नू। आइए अज दा वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 30 अध्याय और 19 आयत नू मैं पढ़ूंगा। दाविद ने सब कुछ लौटा ले आया, यानी कि दाविद जो कुछ उहदा गवाच गया ही, जो कुछ उहदा चोर लुट के लै गए ही, सब कुछ परमेश्वर ने दाविद नू वापस कर दिता। इस वचन दे नाल परमेश्वर साडे नाल गल करे, साडे सारयां दी कमी घटियां नू पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा होने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी, लोग इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करे। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हुए, आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 30 अध्याय और 19 आयत विच लिखिया वा की वड्डा की छोटा सारयां नू दाविद वापस लैके आ गया। जड़ा सोना और चांदी जिन्ना भी लुट लिया हैगा, सारा दाविद ने वापस लैनता, पर परमेश्वर ने दाविद नू सब कुछ वापस कर दिता। पर सवाल ये है कि परमेश्वर ने दाविद नू ते सब कुछ वापस कर दिता, पर उदा सब कुछ क्यों गवाच गया हैगा, क्यों लोगों ने उदे ते हमला कर दिता हैगा। ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हड नाल गल करन दिया वा। जदों ये 27 अध्याय नू जदों ये ध्यान दे नाल पढ़ने आ, उदे विच लिखिया वा कि दाविद डर गया। दाविद डर के डरदे मारे वो पलस्तियां दे देश विच चल गया, यानी कि दुश्मना दे देश विच चल गया। उत्थे जाके रहन डै पिया, उत्थे ही वो वस गया। यानी कि दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ इस करके आए हीगे क्योंकि दाविद खुद डर गया। भैन और भ्राओ, वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर ने दाविद दा चुनाव किया, दाविद नू अभिषेक किया। परमेश्वर ने आख्या कि दाविद या अगला होण वाला राजा। दाविद ने परमेश्वर ने दाविद नू दे नाल वादा किया हैगा कि मैं तेनू और तेरी पीढ़ी नू राजे बनाऊंगा। पर दाविद ने खुद सोचिया, जदों उन्हें खुद सोचिया उदों वो डरन डै पिया और पलस्तियां दे देश विच चल गया। वो खुद नहीं गया, अपने नाल अपने बीवी और बच्चियां नू भी लैके चल गया। 600 सैनिक जिहड़े उत्ते विश्वास की करदे हीगे, उह सैनिकां नू भी वो अपने नाल लैके पलस्तियां दे देश विच चल गया। ओ भैण और भ्राओ, परमेश्वर अज इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वगा, क्योंकि दाविद पलस्तियां दे देश विच गया ते सारे पलस्तियां ने वेख्या कि ये ते दाविद हैगा जिन्हें साडे गोलियात नू मार दिता है, साडा ये दुश्मन आ, क्यों ना ही इनू इत्थे ही रख लिए। इस करके दाविद नू उन्हां ने रोटी खवा ली, दाविद नू उन्हां ने रहण वास्ती जगह दिती। जदों दाविद नू उन्हां ने रोटी खवा ली, रहण वास्ती जगह दिती, तो दाविद बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ओ भैण और भ्राओ, जदों अही भी किसी दे घर जाने आ, जदों सानू भी कोई रोटी खवालदा वा ढिड भर के, जदों सानू भी कोई रहण वास्ती जगह दिंदा वा, तो भैण और भ्राओ साडे दिल विच भी उहदे वास्ती प्यार आ जाता वगा और फिर अही उहदे वास्ते कुछ करन वास्ते सोचने हैगे। ओ भैण और भ्राओ, दाविद दे जीवन दे विच भी इतना ही होया। जदों शाऊल को डर के पलस्तियां दे देश विच चल गया, पलस्तियां ने उन्हों कुछ नहीं किया, पलस्तियां ने उन्हां नू पलस्तियां ने दाविद नू रहण वास्ते जगह दिती और पलस्तियां ने उहदे वास्ते रोटी भी दिती सारे सैनिकां नू और उहदे परिवार वास्ते। इस करके दाविद बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उत्थे ही रहण डै पिया। ओ भैण और भ्राओ, दाविद नू जाके 1 साल 4 महीने हो गए पलस्तियां दे देश विच वसदे, और फिर एक दिन पलस्ती सारे पलस्ती मिलके युद्ध करन दी तैयारी करन डे ही और युद्ध वास्ते युद्ध मैदान विच भी पहुँच गए ही गए। पर दाविद ने वेख्या कि मैं इन्हें 1 साल 4 महीने हो गया, मैनू इत्थे आके
इन्हों ने मैनू रहन वास्ती रोटी दिती, खाण वास्ती रोटी दिती और रहन वास्ती जगह दिती आ, क्यों ना मैं इन्हों की भी मदद करा, इन्हों के नाल मिल के मैं युद्ध में जाना वागा। इस करके दाविद ने अपनी सेना तैयार किया और पलस्तियां के नाल मिल के आता है युद्ध करूँगा, इस करके वह मैदान में चल गया पलस्तियां के नाल, नाल मिल के लड़न वास्ती। ओ भैन और भ्राओ, पर पलस्तियां के सरदार ने आख्या कि ये कौन है, दाविद इत्थे साडे नाल क्यों आया वागा अपने सैनिकां नूं लैके लड़न वास्ती। पर किसी ने आख्या नहीं, ये पलस्तियां दे नाल मिल के लड़ूगा। पर पलस्तियां दे सरदार ने आख्या कि नहीं, ये दाविद आ, इहनूं असीं अपने नाल नहीं रख सकते। भुल गए जे कि इन्हें गुलियात नूं मारिया हैगा, भुल गए जे इहदे वास्ते एक गाना गाया गया हैगा कि शाऊल ने ते सौआं नूं मारिया पर दाविद ने तो लखां नूं मारिया, यानी कि सौल ने तो हज़ारां नूं मारिया पर दाविद ने लखां नूं मारिया। ये ओहो ही दाविद आ जिहड़ा इजराइली आ, ये ओहो ही दाविद आ जिन्हें गुलियात नूं मार दिता हैगा, ये ओहो ही दाविद आ जिहड़ा शाऊल को कम करता है और वो डर के मारे इत्थे आ गया हैगा। इस करके पलस्तियां के सरदारां ने आख्या इहनूं असीं अपने नाल नहीं रख सकते। इस करके पलस्तियां ने आख्या तू अपने 600 सैनिकां नूं लैके वाप बस चल जा, क्योंकि अही तेनू अपने नाल नहीं रख सकते। युद्ध वाहती ओ भैन और भ्राओ, तो दाविद चुपचाप वापस चल गया। ओ भैन और भ्राओ, पलस्तियां ने दाविद वाहती जगह दिती रहन वाहती, पलस्तियां ने दाविद नू रोटी खवाली, पर जो कोई एक चीज़ एक मौका आया युद्ध करन दा, पर पलस्तियां ने दाविद दे उत्ते विश्वास नहीं किया और उन्हें आख्या कि तू चल जा वापस, क्योंकि तू हाडे विचों एक नहीं हैगा। ओ भैन और भ्राओ, जे सानू भी कोई इतरा ही कहूगा तू हा रोटी सानू खवा लूगा और रहन वास्ती जगह दूगा और अही उहदे नाल सोचो कि अही उहदी कुछ मदद करन वास्ती चल गए हैंगे, पर वह मदद करन दे बजाय आखूगा सानू नहीं तू हाडे विचों एक नहीं आ वापस चल जा, ते करे सोच के वेखो कि उदो दिल कितना दुखदा होगा। ओ भैन और भ्राओ, उदो दाविद दा भी शांत दिल बहुत ही ज़्यादा दुखिया ही होगा। ओ भैन और भ्राओ, परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि पलस्तियां दे नाल संगति नहीं रखनी, क्योंकि वो हाडे दुश्मन आ, क्योंकि शुरू तो ही इजराइलियां दे वो दुश्मन रहे आ, उन्हां दे नाल संगति दाविद नूं नहीं ही रखनी चाहिदी। ओ भैन और भ्राओ, पर दाविद उस देश विच जाके रहिंदा वा और अपने बीवी और बच्चियां नूं भी लैके चल जाता वा और अपने 600 सैनिकां नूं भी और उन्हां दे परिवार नूं भी लैके चल जाता वागा। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। वचन विच लिखिया वा 27 अध्याय दे विच, पहला सैमुएल 27 अध्याय विच लिखिया वा कि दाविद डर गया, दाविद डरिया हैगा, इस करके वह पलस्तियां दे देश विच चल गया हैगा। ओ भैन और भ्राओ, दाविद क्यों डर गया हैगा, क्योंकि दाविद परमेश्वर दे किते हुए वादे नूं भुल गया हैगा। ओ भैन और भ्राओ, जदों साडे जीवन दे विच छोटी जी या वड्डी भी मुसीबत होए तो जदों अही परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने आ तो परमेश्वरां नूं वह छोटी या वड्डी जितना दी भी कोई ना क्यों ना मुसीबत होए परमेश्वरां नूं उहदे विचों बाहर कढ़दा वागा। पर जदों अही डर जाने आगे, डर जाने मतलब परमेश्वर के उत्ते विश्वास नहीं करते, उदो की करने ही गलत फैसला करने, गलत कदम चुकने कि होर दा सहारा लैन वास्ती अगे चल जाने। ओ भैन और भ्राओ, परमेश्वर के वचन में लिखा वा कि मैं जे तेनू चुनिया वा, मैं जे तेनू अभिषेक किया वा, तो मैं तेरा चरवाहा वा, तेनू किसे को डरन की लोड़ नहीं आ। दाविद नू भी किसे को डरन की लोड़ नहीं, परमेश्वर के उत्ते विश्वास करता और उत्थे रहिंदा ते परमेश्वर उहदे जीवन दे विच आशीष दिंदा। ओ भैन और भ्राओ, परमेश्वर ने दाविद दे जीवन दे विच सब कुछ क्यों लुटिया गया ही, क्यों उहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ आ गए ही गए, क्योंकि दाविद ने गलत फैसला लिया, दाविद डर गया हैगा, इस करके उहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ आ गए। पर दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ इस करके ही क्योंकि वह पलस्तियां दे देश विच चल गया हैगा। दाविद दे जीवन दे विच दुख और तकलीफ क्यों ही गए, क्योंकि वो
दुश्मनों के देश में चल गया है। दाविद के जीवन के दुख और तकलीफ क्यों ही, क्योंकि वो अपने परिवार को और अपने सैनिकों को और उन्होंने परिवार को लैके उत्थे चल गया हैगा। वह भैन और भाओ फलस्तीन के देश में जाके रहता है। जो उन्होंने रोटी खवा ली और जो उन्होंने रहने वास्ते जगह दिती, तो भैन और भाओ उन्होंने वर्गों ही सोचन डै पिया। वो भैन और भाओ अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वागा। जो सानू भी कोई रोटी खवालदा वागा, ये वेखना वा कि रोटी खवालन वाला इंसान जिहड़ा वा ये कोई परमेश्वर का दास आ, परमेश्वर के लोग आ, या परमेश्वर की औरतों वा, या तो कोई शैतान हैगा जिहड़ा सानू परमेश्वर तो दूर करन वास्ते आया वागा। हो भैन और भाओ जे कोई सानू रहन वास्ते जगह दिंदा वा तो सानू परखना चाहिए वा कि ये जिहड़ी मदद साडी होण दी आ ये परमेश्वर दे वल्लों वा, परमेश्वर दे लोग करन डे आ, या तो कोई शैतान आके साडी मदद करन डिया वा। ओ भैन और भाओ सहायता जिहड़ी आ कदे कदे लोगों के जीवन दे विच जदों मदद हुंदी आ ते ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने की आ, परमेश्वर ने की आ, पर हर एक मदद जिहड़ी हैगी परमेश्वर दे वल्लों नहीं हुंदी। और कदी कदी परमेश्वर दे वल्लों मदद नहीं मिलती, पर कदी कदी शैतान भी मदद करता वा सानू परमेश्वर तो दूर करन वास्ती। लोगों लोकी सानू आके रोटी खवालदे आ, रहन वास्ती जगह दिंदे आ, ते भैण और भराओ ताडा और मेरा काम आ कि उन्हू परखना वा कि परमेश्वर दी औरतों वा या तो कोई शैतान सानू परमेश्वर तो दूर करन वास्ती वो मदद लैके आया वागा। वह भैन और भराओ इत्थे वेखने आ कि जो 29 अध्याय दे विच आके जो अं वेने कि फलस्तीन ने दाविद नू बहुत ज़्यादा मदद की, दाविद वाहती रोटी खवाली उन्होंने और दाविद नू रहन वाहती जगह दिती। इस करके दाविद ने सोचा कि ये तो बहुत लोग बहुत वधिया लोग आ गए मेरी मदद करन डे आ। इस करके दाविद भी फलस्तीन की मदद करना चाहता हैगा और जाके उन्हां दे नाल युद्ध लड़ना चाहता हैगा। फलस्तीन ने आख्या अं तेनों रहन वाहती जगह दे सकने, अं तेनों खाना दे सकने खाण वास्ती, पर तेनों अं अपने नाल युद्ध वास्ती नहीं लैके जा सकते क्योंकि तू साडे विचों एक नहीं हैगा। ओ भैण और भराओ जो सानू भी कोई कहूगा कि तू साडे विचों एक नहीं आ तो सोचो किन्ना दुख लगता होगा। परमेश्वर आंदा वा कि जे कोई तुहानू भी कहूगा तू ही साडे विच एक नहीं जे, तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वागा। ओ भैण और भराओ जे कोई भी अपने परिवार तो लड़ाई झगड़ा करके या दुख और तकलीफ की वजह से कितने होर चल गया वा, तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा। जे कोई दुख और तकलीफ मंडली विच चलन दी या कलिसिया विच चलन दी आ, तो तुसीं अपनी कलिसिया नू छड्ड के कितने होर चल गए जे, तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा। जे तुहाडे जीवन के विच तुसीं अपने वाइफ और हसबेंड के नाल झगड़ा करके कितने होर चल गए जे, तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा। जे तु चल भी गए दे ते भैण और भराओ वो लोग तुहानू रोटी खवालणगे, रहन वास्ते जगह देणगे, पर कदी भी कोई चीज़ जरूरत दी चीज़ होगी तो वह आखणगे कि तू साडे जीवन दे विच ये मदद ना कर, ये सहायता ना कर, क्योंकि तू साडे दे विचों एक नहीं आ। जो कहणगे तू साडे विचों एक नहीं आ, तो इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। हर एक मदद करन वाला इंसान वो हर एक मदद जिहड़ी हैगी परमेश्वर दे वल्लों नहीं आउंदी, कदी कदी शैतान भी मदद करदा वा तां कि परमेश्वर तो दूर कर सके। ओ भैण और भराओ फलस्तीन ने भी दाविद की मदद की, उन्होंने रोटी खवाली, रहन वास्ते अपनी जगह अपने देश में जगह दिती, पर युद्ध करन दा जो टाइम आया तो फलस्तीन ने दाविद नू आख्या कि नहीं तू वापस चल जा, तेरे ते अं विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि तू साडे विचों एक नहीं आ। ओ भैण और भराओ शैतान मदद करता वा, रोटी खवालदा वा, जगह दिंदा वागा, पर बाद विच उह तुहानू कह दूगा कि तू साडे विचों एक नहीं आ। शैतान सानू बहुत दूर तक लैके चल जूगा, पर राह विच जाके उन्हूं सानू छड़ देना वागा, पर परमेश्वर सानू कदी भी छड्डण वाला नहीं हैगा। सानू हर एक मुसीबत दे विच परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना चाहीदा वा। हर एक दुख और तकलीफ दे उत्ते जदों आउंदी आ ते सानू परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना चाहीदा वा। साडे परिवार दे विच जदों लड़ाई और झगड़े हुंदे आ सानू परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना चाहीदा वा। साडी कलीसिया विच लड़ाई और झगड़े जदों हुंदे आ
ਵਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਵਿਦ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵਿਦ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।